हे गाइस, सो मैं राजेश प्रजापति और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेशल एड कैटेगरी क्या होता है, कैंपेन डिटेल्स क्या होता है और ए बी टेस्टिंग क्या होता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि कैंपेन नेम क्या होता है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्पेशल एड कैटेगरी क्या होता है, कैंपेन डिटेल्स क्या होता है, ए बी टेस्टिंग क्या होता है और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे स्पेशल एड कैटेगरी की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले चार ऐसा ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक तो क्रेडिट का, और दूसरे में आपको मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट का, और यहाँ पे हाउसिंग का, और सोशल इशू, इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलिटिक्स का। तो ये सारे एड्स चलाने के लिए जा रहे हो, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ओके, तो यहाँ पे फेसबुक हमसे पूछता है आपका पर्सनल आईडी वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे कंफर्म आईडी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं ये सारे एड्स चलाने के लिए। ये सारे एड्स हम लोग ऐसे ही नहीं चलाते हैं, और बहुत ऐसे चीज जो है रूल्स, उस रूल्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे एड्स हम लोग रन करते हैं। नॉर्मल जो एड हम लोग चलाते हैं वो एड नहीं हमको लगता है, लेकिन ये सारे एड्स स्पेशल एड्स कैटेगरी के रिगार्डिंग में आता है। तो ये सारे एड्स हम लोग रन करने के लिए यहाँ पे आईडी कार्ड को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही इसको हम अनटिक करेंगे तो यहाँ पे आईडी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अगर हम लोग ये ऐड नहीं चला रहे हैं, ये सारे एड्स हम लोग नहीं चलाते, तो इसको आप छेड़छाड़ इसको मत कीजिए। स्पेशल एड कैटेगरी को यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं कैंपेन डिटेल्स की तरफ। तो कैंपेन डिटेल्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जैसे कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड जनरेशन, ये सारे बताता है यहाँ पे, शो ऑफ करता है कि क्या क्या है आपका कैंपेन दरअसल। और हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं ए बी टेस्टिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं दोस्तों ए बी टेस्टिंग क्या होता है। फेसबुक में यहाँ पे कैंपेन लेवल में दिया होता है ए बी टेस्टिंग। तो ये ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, मान लो कि फेसबुक को हम लोग राइट दे दिए, ये फेसबुक को हमें राइट ये दे दिए कि मान लो हम दो ऐड बनाए हैं और वो दोनों ऐड में जो अच्छा परफॉर्म करे उसे कंटिन्यू आप कर दीजिएगा, और जो अच्छा नहीं करे, अच्छा रन नहीं करे, तो उस ऐड को आप स्टॉप कर दीजिएगा। तो इसको अगर आप ऑन करते हैं तो ये करता है फेसबुक, वो ऑटोमेटिक आपका जो ऐड रहेगा जो अच्छा चलेगा उसको कंटिन्यू कर देगा, और जो अच्छा नहीं चलेगा उसको स्टॉप कर देगा। ए बी टेस्टिंग का मतलब यही हुआ दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ए बी टेस्टिंग को ऑफ ही रखेंगे, क्योंकि ए बी टेस्टिंग हम लोग खुद कर लेंगे। मान लो कि जैसे कि 10 या 15 हम लोग कैंपेन को रन कर रहे हैं, उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये अगर ऑन करते हैं तो कौन सा कैंपेन अच्छा चल रहा है मेरा, तो इसको हमें ऑफ करके ही रखना है। और यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये हम लोग ऑफ करके रखे, ये इसका काम आपको एडसेट लेवल पे होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एडसेट लेवल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।